एक घंटे के महासंगम में आज देखिए मरीमासा का बदला आज पूरा होगा। थारे को अपने जीवन की नई शुरुआत शुरू करनी थी ना, तो आज थारे जीवन की शुरुआत भी है और अंत भी। आज थारे को मैं जमीन के नीचे दफनाऊंगा। क्या समझ पाएगी देवी मोहब्बत में छिपा मौत का पैगाम? ये सब करने से पहले तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें धिक्कारा नहीं? ऐसा क्या हो गया रात को जो तू इतना चिल्ला रहा है? अरे मैं रात भर इसे फोन करता रहा और ये रात भर राजवीर ठाकुर के साथ। साजिशों के भवंडर में क्या फंस जाएगा प्रेम और तेजा का रिश्ता? देखते रहिए है। अब इन दवाइयों से जहर का जो बचा हुआ असर है वो भी खत्म हो जाएगा। नहीं देवी, झूठ की बुनियाद पर इस नए रिश्ते की शुरुआत नहीं हो सकती। मुझे इन्हें सच बता देना चाहिए कि उस शीशी में जहर था। वो देवरसा और देवरानी साहब को केसर वाला दूध देने का सोच रही थी मैं। केसर वाला दूध? वो देवरसा और देवरानी सा है ना, अपने वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अब देवरानी सा मेहमानों वाले कमरे में ना रहेंगी, देवरसा के साथ में उनके कमरे में रहेंगी। तो बस इसीलिए मैं सोच रही थी कि उन्हें वो पहली रात को केसर वाला दूध दे है ना, तो वो ले जा रही थी मैं। अब बस भगवान के आशीर्वाद से इनके रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। चलो मैं केसर ढूंढूं। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। वो उस दिन आपने कहा था ना, और वो मैं वो मैं माफ करना देवरसा, वो मैं दरवाजा बिना खटखटाए अंदर आ गई। बैठे हैं डेल में तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्रेम जी चाची, दिल के टुकड़े हुए आसार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अचानक मेरा दम क्यों घुट रहा है? नहीं, ये सब जो मैंने देखा वो सच नहीं है। अरे और कुछ नहीं है प्रेम दिया जी। राजवीर जी, आप जानबूझ के आ रहे हैं।
ये मैं जानती हूँ। आप प्रेम के लिए हारे हैं और मैं तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। रेसलिंग मैच और फाइट सब सब झूठ और ट्रॉफी। राजवीर जी, आप जानबूझ के आ रहे हैं ये मैं जानती हूँ। थैंक यू सो मच। इस तरीके के कंपटीशन में पार्ट लेने की क्या जरूरत है? राजवीर जी, आप जानबूझ के हारे हैं कि मैं जानती हूँ। थैंक यू सो मच। राजवीर जी, आप जानबूझ के हारे हैं कि मैं जानती हूँ। थैंक यू सो मच। आपको ये तड़पता देखकर मुझे इतना सुकून मिल रहा है ना, क्या बताऊँ प्रेम जी। राजवीर, प्रेम जीजा जी, आपको पता नहीं कि इस समय आपका दिमाग आपके काबू में नहीं है। बहुत राज है जो धीरे धीरे खुलेंगे। कोई है? दरवाजा लॉक है, बाहर कैसे जाएंगे? सुनिए सुनिए प्लीज, आप जस्ट काम डाउन, रिलैक्स। अरे कैसे काम डाउन, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे, आप प्लीज जस्ट बी काम, रिलैक्स। कोई और रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा। मैं देखता हूँ, ये दरवाजे को मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ या कुछ। जस्ट लेट मी थिंक, प्लीज गिव मी सम टाइम। राजवीर जी, आराम से, प्लीज आपको चोट लग जाएगी, प्लीज। हमारा जो भी हो, लेकिन आपको यहाँ से निकालना बहुत जरूरी है तेजस्वी जी। परेशान हो रहा होगा, फोन भी नहीं है मेरे पास, मेरा मैं कैसे ट्राई करूं उसे? कोई खिड़की वगैरह कुछ नहीं है, कैसे निकले? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तेजस्वी मुझसे फिर कोई झूठ बोल रही है। आपका दम निकलेगा तो मुझ में जान आएगी, प्रेम सिंह राठौर। तुम्हारे सर पे खड़े रहने का शौक है, जो बकने आए हो बक दो। माँ जी साहब, मैं कुछ बोलने वाली कौन हूँ? थारी आंखों के सामने इतना बड़ा अनर्थ हो गया और थे ही चुप हो। पहले देवर साहब छोरी ने काल कोठरी से उठा के मेहमानों वाले कमरे में और फिर वहां से भी निकाल के अपने कमरे में लेके जा रहे हैं। अब जब थारे ही मुंह पे ताड़ा लगा है तो फिर मैं तो कोई हूं ही ना।
और माचिस, ये जो आपकी चुईया है ना, केसर बिंदड़ी, ये भी कुछ कम ना है? बड़ी फुदक रही है आजकल। कभी हुकुम साके सुहागरात की तैयारियां करती है, तो कभी उनके लिए केसर वाला दूध लेकर जाती है। सच कहूं माचिस आपको, इधर वो देवी हुकुम साके कमरे के अंदर और उधर आप, मारा मतलब हम सारे के सारे चूल्हे के अंदर। मारे को तो ये बात समझ में ना आती है कि आप अपनी आंखों के सामने ये सब कैसे होने दे रही है। हो गया खत्म। इस बारे में कुछ बात करना ना चाहूं मैं, और उनसे तो कतई नहीं जो एक काम ढंग से ना कर सके और सवाल पूछे सो अलग। दफा हो। फुर्मी, कुछ ठीक ना लग रहा हमारे को, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। भाषी साथ जरूर कोई तिकड़म भिड़ा रही है। अब हमें इस हवेली में अपने कान और आग ज्यादा खुले रख के रहना पड़ेगा। सही कहे है तुम आसा, हमें भी तो पता चले कि ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र चढ़ा दिया है माजी साने, जो पहली बार हमें भी खबर ना हुई। ये क्या? अरे कुमारी से कुछ कहना था ना? वो मैं सोच रही थी कि बहुत ही लंबा सफर तय किया है ना हमने, वहां काल कोठरी से वो मेहमानों वाले कमरे तक और उस कमरे से इस कमरे तक। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो भी सोचा ना था मैंने, पर सब देखूं मैं। और अब क्या? चल रहा है भीतर, दीवारों को भी काड़ो दे, अब उन काड़ों का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। तो कहना क्या चाहे, घुमा फिरा के बात क्यों करे? घुमा फिरा के नहीं, कुछ कुछ सच ऐसे होते हैं। दीन हूं तेरा और तू मारी बीनड़ी, सबके सामने यो बात कही मैंने, इससे बड़ा कोई सच हो सकिया तो बता दे। कैसे कहूं, कैसे कहूं? I'm sorry, मुझसे नहीं होगा। तो ये दीवारों के कान बहरे हो गए हैं या फिर मारे कान बहरे हो गए हैं, कुछ सुनाई ना दे रहा। अरे फिकर ना कर चोरी, तारी मासा के पास हर मर्ज का इलाज है, ये देख। थारे को प्यास लगी है यो भगत? ना ना, ये मारा ब्रह्मास्त्र है, इससे सुन। इससे सुनो। सुनाई थिया? योले अपना ब्रह्मास्त्र निशाने पे तो लगेना है, ऊपर से मारे कान दुख के सोहड़क। अब के करें? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों आपको नींद ना आ रही? क्या हमारे को भी नींद ना आ रही? बड़ी अजीब सी बात है, हम दोनों को नींद ना आ रही। तीनों को? उर्मी भाभी सा को भी तो नहीं आ रही ना? ना वो पता ना क्या खाली हुआ था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा कमरे के आसपास घूम लिया जाए। ना ना, हम दोनों तो यूं ही टहल रहे थे, कोई कमरा के थोड़े ना वो। यो कमरा पता नहीं कटे से आ गया, वो हम दोनों तो अठे टहल रहे थे ना, है ना? अठे टहल रहे थे हम दोनों।
आप ना बड़े मजाक कर रहे हैं बकेल बाबू, हम तो बस ऐसे देख रहे थे नजारा। आप यहाँ कैसे? पर मैं ये पानी लेने आया था। पानी? मारे को भी पानी चाहिए था। अच्छा वो पानी लेके, मारे को तो पानी की बहुत जरूरत थी। आप ठीक है? अच्छा हो गया तो एक काम करिए, जल्दी से अपने कमरे में लौट जाइए। बासुरी जी, आजकल रात को बड़े अजीब अजीब से कीड़े निकलते हैं यहाँ पर, बहुत खतरनाक है। मौके की तलाश में रहते हैं कि कब कोई मिले और काटे। आप दोनों को काट वाट लिया तो बहुत मुश्किल हो सकती है। हाँ एक और बात है, वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, नहीं नहीं शादीशुदा जोड़े के कमरे के आसपास ऐसे खड़े रहने से काफी नुकसान हो सकता है, तो जरा संभल कर। मैं ये झूठ नहीं बोल सकती। ये कहना चाहे तो कि मैं एक सांस में वो दूध ना पी सकूं? ये क्या कर रहे हैं आप? ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए मुझे पता है कि हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत हो रही है, पर ये सब बहुत जल्दी हो जाएगा। ये सब आप कैसे समझाऊं मैं आपको? थारे को हमारे को समझाने की कोई जरूरत ना है, मैं थारी सारी बात समझता भी हूँ और थारी बात से सहमत भी हूँ। तो अगर आप सहमत है, आप समझते हैं, तो फिर वो दूध, ये कुर्ता, ये सब क्यों? मारे को लगा था कि मारे कुर्ते के अंदर कीड़ा घुस गया है जो मारे को तकलीफ दे रहा है। बावड़ा हो गया था, मारी चीज को अपनी चीज समझने लगा। आस्तीन का सांप हो या कीड़ा, मारे को पैर के नीचे मसल ना आवे तो फिकर ना कर, बाहर जाके कीड़ा मर गया तुम। सुनिए एक मिनट, सब सच बता देना चाहती हूँ इन्हें देवी माँ। झूठ के बोझ के तले इस रिश्ते की शुरुआत नहीं करना चाहती मैं। कितना कुछ कर रहे वो मेरे लिए, मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा सच जाने और फिर मुझे स्वीकार करे ये। हाथे तो सब हाथ से निकलता जा रहा है और तू तू बस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहे। उर्मी जल्दी कुछ ना किया ना तो ये छोरी थरे आदि को ना। हेलो, अच्छा हुआ थड़े फोन किया, वरना ना यू खुद से बातें करते करते तो ना पागल ही हो जाती उर्मी। और यू मारी मासा बिना पता नहीं बीच बीच में इकट्ठे गायब हो जावे। तारे को पता है महाराज दुख सुनने के लिए ना हिप तो यू हवेली की दीवारें ही बचे हैं। इसलिए तो मैंने सोचा आपको फोन कर लूं। देखा मैं कितना सोचती हूँ आपके बारे में। वैसे आप हो कैसी? के बताऊं, वो मक्खी जैसे शहद ने चिपके है ना, वैसे ही यो छोरी मारे अधी को चिपकने लगी है हर दिन। और इस शर्मी की तो ना तू पूछी ना, ऐसा लगे है जैसे कि शर्म की हर हद पार करना चाहे है यो छोरी। और मारे अधी का के बताऊं, यो छोरी की सुंदरता पे फिसलने लगा है, उसकी हर बात माने है, नरमी दिखावे है उस छोरी ने। मारे को थोड़ा समझ ही ना आ रहा है ऐसा के करूं कि मारे आदि का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकूं। माजी सा के रहते हुए और
अधिराज भाई साहब तो माजी साहब की हर बात मानते हैं, तो फिर उनके सामने ये सब? माजी साहब का क्या बताऊं, वो गांधी जी की बंदरिया हो गए है ना, बस उस बंदरिया की तरह बैठी है, ना कुछ सुनाई दबे है ना कुछ दिखाई दबे है, और मुंह पे तो पता नहीं कौन सा ताड़ा लगा लिया है उन्होंने। वैसे तू यो सब छोड़, अपना बता, वो थारी बहन? ओफो, ना मत लो उनका, आपकी देवी की तरह मेरी बहन मेरी जिंदगी में ग्रहण की तरह लगी हुई है। घर पर हुकूमत कम थी क्या, जो बड़े पापा ने उन्हें अपनी कुर्सी देकर राजपिपला की रानी बना दिया? ऐसे जताती है मानो बस वही है जो है। अब देखना ऐसा हाल करूंगी मैं इस महारानी का कि याद रखेंगी। वैसे थारा दुख समझू मैं, मदद तो ना कर सकूं, पर इतना जरूर कहूंगी कि तूना अपना ध्यान रखना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अच्छा चल, मैं बाद में फोन करूँ, ठीक है? ठीक है। घर वाले भी परेशान हो रहे, कैसे कॉन्टैक्ट करूँ उनसे, कैसे बताऊँ कि मैं ठीक हूँ, मैं कहाँ हूँ, वो क्यों कैसे बचाएंगे, हम कैसे निकलेंगे यहाँ से? तेजस्वी प्लीज, I'm really sorry Tejaswini ji, मैं आपको Tejaswini ji, गोली का असर हो ही गया, अब देखिए राजवीर का अगला वार। राजवीर जी आप जानबूझ के हारे हैं ये मैं जानती हूँ, थैंक यू सो मच। इस तरीके के कंपटीशन में पार्ट लेने की क्या जरूरत है? ये राजवीर और तेजस्विनी की गाड़ी सुनसान सड़क पे, तेजस्विनी तेजस्विनी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, काटो, अरे कहो तुम तेजस्विनी? हाँ लगता है आसपास के किसी गांव में, इनसे पूछता हूँ। अम्मा अम्मा आपने एक लड़की को देखा है? हाँ गोरी सी साड़ी पहने हुए, 5.5 फुट लंबी, अम्मा आपने मेरी तेजस्वी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अम्मा जी थैंक यू। तेजस्विनी तेजस्विनी, अरे क्या हो तुम तेजस्विनी? तेजस्विनी आज की रात अच्छाई हारेगी और बुराई जीतेगी, प्यार हटेगा और नफरत जीतेगी, आज की रात खुशी के मारे मुझे नींद नहीं आएगी।
गले गले बलम बलम पिता भुजंग तुंग मालिका टमट मट मंडी नाद बट मरवयं चकार चंद कांड मम तनो दुम शिव शिव चटा पटा संत मंत्र मंदि लिप दे चरी कि लो लगी ची बल्लरी विराजमान मूर्तनी धगत 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 धलन ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखरे रवि प्रदीक्षणम नमः। मामूली लोग कभी मारे आड़े आने की जरूरत ना करें, इसलिए उनका अंत भी मामूली सा होवे। लेकिन तू छोरी, तने तुम्हारी मास्टर को मारने की कोशिश की, तुम्हारा अंत भी मामूली कैसे हो सके? मारे को अपने जीवन की नई शुरुआत शुरू करनी थी ना मारे साथ, तो आज थारे जीवन की शुरुआत भी है और अंत भी। आज थारे को मैं जमीन के नीचे दफनाऊंगा। प्रजावतों और चौहानों के बीच जो बदले का हिसाब है ना, आज मैं पूरा करूं। जो इंसाफ थारा भगवान मारे साथ ना कर पाया, वो इंसाफ आज मैं करूं। और कोई भी मारे बीच ना आएगा, ना कोई इंसान और ना थारा भगवान। परिस्थिति में तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगी। प्रेम,
रानी तुम आ गए प्रेमपुत्र। देखो तुम जो समझ रहे हो वो सही नहीं है। प्रेम कल हम पे हमला हुआ था और उन्होंने हमें यहाँ के बंद कर दिया। प्रेम रात भर हमने यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की पर यहाँ से कोई निकलने का रास्ता इधर दरवाजा बाहर से बंद था, हम यहाँ से निकल ही नहीं पाए। तेरी हिम्मत कैसे हो गई? ऐसे सोच भी ठोकर तेरी मेरी बात सुन। अपने ख्यालों में भी सोचने की तेरी औकात कैसे हुई? नहीं प्रेम, 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 मेरी बात सुनो। प्रेम, राजवीर जी ने मुझे बचाया है, उन गुंडों से उन्होंने मेरे को बचाया। दूर रहे, समझे? प्रेम, प्रेम, प्लीज बात सुनो फिर फैसला करो। प्रेम ऐसा कुछ, प्रेम, 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 बात सुनो। प्रेम आपके लिए बाय तेजस्विनी जी, वरना प्रेम सिंह जैसे तो कौड़ी के इंसान की क्या हिम्मत के वाम पे उंगली भी उठा दे। आज आपकी आंखों में दर्द देखा हमारे लिए, आज दर्द कल प्यार होगा। क्या कह रहे थे आप प्रेम सिंह जी? हमारे ख्यालों में कैसे आए? तेजस्विनी हमारा जुनून बन चुकी है, जिद बन चुकी है हमारी। प्रेम, प्रेम मेरी बात सुनो। प्रेम, तुम ये क्या कर रहे हो? प्रेम मेरी बात तो सुनो। प्रेम बिना सुने तुम क्या क्या हुआ है? क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ उसका, हाथ छोड़। अरे तुम दोनों बोलो क्या हुआ क्या है? हम दोनों काका, हम दोनों अब हम रहे नहीं। पूछिए इससे, पूछिए कि ये कहां थी रात भर। प्रेम, सब बोलने से पहले तुम्हारी जबान नहीं कांपी? ये तुम मुझे बोल रही हो? ये सब करने से पहले तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें धिक्कारा नहीं? प्रेम शांति रख, शांति से भी बात हो सकती है ना। प्रेम आखिर ऐसा क्या हो गया रात को जो तू इतना चिल्ला रहा है? अरे मैं रात भर इसे फोन करता रहा और ये रात भर जंगल में आउट हाउस में थी। आपको पता ही जंगल पे आउट हाउस में किसके साथ थी? ये राजवीर ठाकुर के साथ। बस यही प्यार था, इतना ही यकीन था तुम्हें तुम्हारी तेजस्विनी पर?
आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप लोगों ने प्रेम की बात पर यकीन कर लिया? यकीन शब्द? तुम जैसों के मुंह से तो अच्छा नहीं लगता। बस प्रेम, बहुत गलत समझ लिया तुमने। मेरी बात सुने बगैर तुम एक तरह से फैसला नहीं कर सकते। काकी, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि एग्जैक्टली कल रात को हुआ क्या। कल कुछ गुंडों ने हम पे हमला किया था। अरे बंद करो अपना ये घटिया नाटक करना। प्रेम, बुलाना, शांत हो जा। एक मिनट, क्या सबूत है तेरे पास? क्या सबूत है तेरे पास कि तू जो कहानी बोल रही है वो सच है? प्रियल, अरे हमारा प्रेम इस पर अपनी जान छिड़कता है, और अगर प्रेम इस पर शक कर रहा है तो जरूर कोई वजह रही होगी। क्या हो रहा है सब मेरे घर में? तब सुना मैंने, वरदार जो किसी ने भी मेरी बेटी तेजस्विनी पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो। थैंक यू सो मच पापा कि आपको मुझ पे यकीन है। अरे पापा, आपको पता नहीं है इसमें? मुझे कुछ जानना भी नहीं है। पर मोड़ा भाई, आप नहीं जानते, प्रेम ने अपनी आंखों से उसे देखा। बस बहुत हो गया, एक शब्द और नहीं। मेरी बेटी तेजस्विनी गंगा की तरह पवित्र थी और पवित्र है। आज अगर भगवान भी आकर मुझे कहेंगे कि ये इसने गुनाह किया तो मैं मानने को तैयार नहीं होऊंगा। आज मैं उनसे भी सवाल पूछ बैठूंगा। समझ गए तुम सब लोग? पापा, आप नहीं जानते इस पर आपका यकीन क्या मायने रखता है मेरे लिए। तुम अपने अपने कमरे में जाओ, ये बात को यहीं पर खत्म कर दो। नहीं पापा, आज अगर कोई मुझ पर यकीन नहीं है तो जो घाव प्रेम ने मुझे दी है उसके साथ मैं कैसे जी पाऊंगी मुझे नहीं पता। पर अगर आज खुद को बेगुनाह नहीं साबित कर पाई तो खुद से दूसरे कभी नहीं मिला पाऊंगी। बेटी तेजस्विनी, तुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। नहीं पापा, आप सब लोग प्लीज मेरे साथ उस जगह पर चलिए जहां पर हादसा हुआ था। मैं आप लोगों को सच्चाई बताना चाहती हूँ। आप लोग खुद देख लीजिएगा कि सच क्या है। और बेटी, प्लीज प्लीज चलिए। मुझे बहुत गलत समझा प्रेम, मैं हमेशा से तुम्हारी थी और तुम्हारी रहूंगी। हाँ प्रेम, बस यहीं पे। प्रेम, पापा, ये राजवीर की गाड़ी है ना, ये देखो यहाँ पर पंचर हुई थी। अब क्या पंचर हुआ? यहाँ तो कोई टायर पंचर नहीं। नहीं प्रेम, पापा, टायर पंचर हुआ था और उसके बाद हम पे हमला हुआ था और हमारे ड्राइवर को गोली भी लगी थी पापा। और पापा आइए मेरे साथ। प्रेम, हमारे ड्राइवर को जब गोली लगी थी ना वो यहाँ पर गिरा था और उसको गिरा था वो खून। जब किसी को गोली लगती है तो उसकी बॉडी में से खून गिरता है? गिरता है कि नहीं? हाँ। कहाँ है खून? प्रेम, मुझे नहीं पता कि ये सब ये हो गया। पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब हमला हुआ था ना तो मेरे हाथ में फाइल थी तो उसके साथ पेपर बिखर गए ना, यहाँ पर गिरे थे पापा, यहाँ पे। पापा, मैं सच कह रही हूँ, ये सब हुआ था। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि ठीक कैसे हो गया वो टायर। मैं नहीं जाती पापा, ये सब कैसे लगे। मैं सच कह रही हूँ पापा, मैं झूठ नहीं कह रही, सब सच में हुआ। कैसे साबित करूँ
बेटी तेजस्विनी, मुझे कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, परेशान मत हो। नहीं पापा, मैं सच कह रही हूँ पापा। अरे बंद करो अपनी झूठी कहानियां, बंद करो ये नाटक, अब इन सबका कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी असलियत प्रेम। शांत हो जाओ बेटा, चल बेटा।